हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो हम लोग बॉल स्लिप तोड़ रहे हैं। और आपको बता दें ये बहुत पुराना बॉल स्लिप है, ये इसमें जो है फ्रेमिंग जो है वो लगा था लकड़े का। ये देखिए अभी चैनलिंग होता है, पहले फ्रेमिंग होता था लकड़ी का। अभी देखिए इसको हम लोग उखाड़ के दूसरा लगाएंगे। देखिए और ऊपर में जो रॉड होता है उसमें सपोर्टिंग के लिए यूज़ किया गया है इसमें। ये देखिए पहले ड्रीमिंग हो रहा है, सिस्टम नहीं था। चलिए फिर बना के दिखाते हैं आपको दूसरा फ्रेमिंग, फिर शीट लगा के भी दिखाएंगे। देखना वायर बजा के पहले इसको पूरा तोड़ लिया जाएगा और दिखाते हैं आपको कितना सारा लकड़ी लगा के इसको बनाया गया और सपोर्टिंग कहाँ कहाँ दिया गया है। और पहले का शीट भी ये देखिए कितना मोटा शीट लगाते थे पहले बनाने के लिए, और ये काफ़ी हैवी भी है। क्या है पहले ऐसा चलता था कि मतलब यहीं पर ही बना के शीट लगा देता था, अभी तो कंपनी रहती है। बहुत भारी है, चलो निकालते जाओ फटाफट। लकड़ी के फ्रेमिंग में टंगाया था, कम से कम 15-20 साल पुराना तो हो गई, क्योंकि पहले एंगल वगैरह नहीं चलता था। काफी मुश्किल हो रहा है इसको तोड़ना। बहुत टाइम लग रहा है तोड़ने में, आप देख सकते हैं कितनी मजबूत है। अब दिखाते हैं आपको कि एंगल में फंसा कहाँ था। ये लकड़ी का फ्रेम हो गया और ये है वो रॉड जिसमें अपनी सेंटरिंग रॉड होता है, उसी में इसको फंसाया गया था ये तारों के द्वारा। ये बट ये सक्सेस नहीं है ज़्यादा दिनों के लिए, अब पुराने ज़माने में कर भी क्या सकते थे क्योंकि ड्रिलिंग वगैरह सिस्टम नहीं था उस समय, ज़्यादा टूट गया हम लोग का। और बचा हुआ है अभी, ये देखिए पहले इस तरीके से गड्ढा किया जाता था, फिर उसके बाद में इसमें लकड़ी फंसाया जाता था। ये देखिए जगह जगह सीट का जो साइज़ होता था उस हिसाब से इसका मेजरमेंट करके यहाँ पे लकड़ी को डालते थे। इसका मेन कारण है
इसको लटक गया था नीचे, ये यही जो है एंगल फंसा हुआ था जो टूट गया था यहाँ पे, ये तार के भरोसे पे टिका हुआ था और साथ ही साथ लोहा भी खराब कर दिया ऊपर का ये। कंपनी का अलार्म बज गया है, लंच टाइम की छुट्टी हो गई है, तो फटाफट हम लोग तोड़ लेते हैं और उसके बाद में लंच ब्रेक लेंगे। तो फिर से आ गए हैं दोस्तों लंच वंच करके मस्त अपना आराम से, थोड़ा आराम भी किए और एक 8 घंटे के बाद में आए हैं। आप देखिए मार्किंग किए हैं अपन दूसरा फ्रेम बनाने के लिए, ये देखिए चलिए अब मशीन से ड्रिल करेंगे फिर उसके बाद में दिखाते हैं आपको। तो हमारा आधा काम हो गया है, ये देखिए सपोर्ट लगा दिए हम लोग ड्रिलिंग करके, माफ़ करना ड्रिलिंग दिखा नहीं पाया, अगली बार कोशिश करूँगा ड्रिलिंग कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। ये देखिए एक लौंडा टाइट कर रहा है और इधर पट्टी लगाए हम लोग और इधर सीधा सीधा पट्टी लगेगा, आगे का वीडियो दिखाते हैं आपको इच्छा करने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग ने बॉटम को डाल दिया है, बॉटम बोलते हैं ऐसी वाला, ये देखिए इसका कुछ टुकड़े हैं इस टाइप का दिखता है, इसको डाल दिए हम लोग सपोर्ट के साथ। अब पट्टी डालेंगे, पट्टी भी दिखाऊंगा आपको डालने के बाद, और इसमें स्क्रू लगता है ऐसा टाइप का दिखाते हैं हम आपको, ये देख सेल्फ स्टार बोलते हैं इसको, 1 इंच का है, वैसे छोटा भी आता है बट इसमें दोनों काम हो जाता है, सीट भी टाइट हो जाता है इसी में। चलिए दिखाते हैं आपको पट्टी भरने के बाद। तो आप देख सकते हैं पट्टी लगना चालू हो गया है और इस टाइप का कुछ पट्टी लगता है, ऐसे दिखता है ये ऐसा टाइप का, इसमें क्वालिटी आती है और क्वालिटी जो है अलग अलग आती है और इस तरीके से लग रहा है ये, और ये इसका जो मतलब सिधाई है वो चेक कर रहे हैं। अभी पूरा पट्टी लगने के बाद में आपको दिखाते हैं और सीट भी लगाते वक्त दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हो आप लोग पट्टी कंप्लीट कर लिए हैं, वो लास्ट पट्टी बचा वहाँ का, और ये बीच में कटिंग किए हम लोग लाइट के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने का जो लाइट था वो ऐसे लंबा टाइप का लगा हुआ था, तो इसलिए कस्टमर का कहना यही है कि हमको वही लाइट फिटिंग करवाना है, तो उसी साइज का हम लोग यहाँ पे जगह छोड़ के रखते हैं, सीट लगने के बाद में उसी साइज का कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं चारों साइड चैनलिंग हो गया है, ये
ये रहा हमारा शीट, ये 1/2 inch का रहेगा और ये बड़ा शीट है 3x4 का। तो चलिए आपको लगाते हैं, हमें दिखाते हैं। तो फ्रेम हमारा लग चुका था, अब हम लोग सीट बैठा रहे हैं। आप देख सकते हो फ्रेम उसी हिसाब से बनाना जाता है कि जिस हिसाब से सीट बैठ सके। अब इसमें ड्रिलिंग करके डायरेक्ट सेल्फ स्टार्ट स्क्रू करेंगे। चलिए पूरा सीट लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगा। तो देख सकते हो दोस्तों, पूरा सीट लग चुका है हमारा, बस ये छोटा सा बचा है। यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग होगा और ये छोटा सा सीट लगेगा, एक यहाँ पे छोटा सा सीट लगेगा। इसको लगाने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं, पूरा फिनिश करेंगे। जॉइंट वॉइंट जो है, इसमें जो गैप है, इसमें ब्रश करके इसको चीरा मार के फिर उसके बाद इसमें फिनिश डालेंगे और फिर उसके बाद में आपको दिखाएंगे।